तो दोस्तों अभी खड़े हुए हैं हम रैपिड एक्स के ट्रैक पर, और हमारे साइड में हमारे पीछे आप ट्रेन देख सकते हो। तो अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। तो अंदर के इसमें भी कोचेस हैं, अलग अलग कोचेस हैं और अलग अलग लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अंदर चलते हैं और आपको ट्रेन सीट सारी चीज़ों के बारे में जान। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम ट्रेन के अंदर, और ये है पायलट केबिन, और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर किसी वीडियो में दूंगा। आज की वीडियो में आगे ट्रेन को अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है इसमें 6 डब्बे होने वाले हैं। 6 डब्बों में सबसे पहला जो डब्बा है वो प्रीमियम कोच होगा और बाकी के स्टैंडर्ड कोच होंगे। उसमें भी जो सेकंड नंबर का डिब्बा है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, और उसके बाद में नॉर्मल डब्बे हैं, स्टैंडर्ड डब्बे हैं। तो मैं आपको जो प्रीमियम कोच है और स्टैंडर्ड कोच है दोनों में डिफरेंस भी करने वाला हूं, और सारी इन्फॉर्मेशन उनकी आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी जिस कोच में हम हैं ये है प्रीमियम कोच, और इसमें RRTS की ट्रेन्स में 2 कोचेज होने वाले हैं, जो कि एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड। और आज सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको प्रीमियम कोच के बारे में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी इस कोच में मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर देखें हम तो जो सीट्स के जो कवर हैं इनके कलर्स भी दोनों कोचेज़ के, प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोचेज़ के, दोनों अलग अलग कलर के हैं। उसके अलग हैं, ये अभी ब्लू कलर के हैं, और इस कोच में आपको लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, साथ ही साथ मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पॉइंट, और जो हैंड सपोर्ट के लिए दिए हुए हैं, तो ये हमारे प्रीमियम कोच में मिल जाते हैं। साथ ही साथ अभी ये फर्स्ट चेयर थी, इससे पीछे हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सामान रखने के लिए हैंगर भी मिल जाएगा। इधर अगर आपको अपने कपड़े वगैरह, कुछ कोट वगैरह टांगना है तो उसके लिए भी आपको वो मिल जाता, और यहाँ पर आपको आराम से पैर रखने के लिए भी फुटरेस्ट मिल जाता है। तो ये फुटरेस्ट है दोनों साइडों में, और जो इधर लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, मोबाइल के लिए यूएसबी सॉकेट दिया गया है, और ये हैंड सपोर्ट के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ बोतल होल्डर भी दिया गया है, यहाँ पर आप अपना बोतल रख सकते हैं, और यहाँ पर LED दिया गया है जो कि आपको स्टेशन वगैरह या सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहेगा। और साथ ही साथ साइड में ऊपर ये आपका लगेज रखने के लिए, बैग वगैरह रखने के लिए दिया गया है, और ऊपर आप लाइटिंग देख सकते हो कि अच्छी तरीके से लाइटिंग की गई है। इधर आपको हैंडल मिलता है पकड़ने के लिए, और जितनी भी सीट्स हैं सभी के साथ में आपको मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी हाफ के बाद में, अभी यहाँ तक हमारी ये सीट्स आगे की साइड में थी, इसके बाद में ये चेंज हो जाती हैं। इसी कोच के अंदर है हम, हाफ कोच, आधे ही कोच के बाद में सीट्स की डायरेक्शन यहाँ हमें चेंज दिखाई दे रही हैं। आपको सर ये चीज़ें दिखाई दी मैंने कि सामान रखने के लिए यहाँ पर जिप दी हुई है, पॉकेट दी हुई है ये फुट रखने के लिए। और बाकी आगे चलते हैं अगले कोच, जो स्टैंडर्ड कोच है, और दोनों साइडों में ये स्क्रीन दी हुई है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ अगर हम बात करें जो डोर्स हैं, गेट हैं, तो गेट से अंदर एंट्री के बाद में जो पीछे वाली सीट है वहाँ भी आपको USB और मोबाइल चार्जर
मिलने वाला है, और साथ ही साथ जो प्रीमियम कोच है उसमें आपको खाने पीने का सामान भी मिलने वाला है रिफ्रेशमेंट्स के लिए, आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। और साथ ही साथ बैग रखने के लिए एक रैक यहाँ पर साइड में दी गई है। तो अभी आ चुके हैं हम स्टैंडर्ड कोच में, और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है केवल महिलाओं के लिए। और जो अंदर आने के बाद में पहली ही सीट पड़ती है, तो ये सीट साइड सीट है, और इसके बराबर में दो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं, और सेम ऐसी ही दूसरी साइड में मिलती है, दूसरी साइड में भी आपको दो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं। और ये स्टैंडर्ड कोच है, अब से पहले मैंने आपको दिखाया था प्रीमियम कोच, दोनों के जो सीट्स हैं उनके कवर हैं, उनके कलर्स में दोनों के में डिफरेंस है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ अभी क्या है कि जो भी सीट्स हैं इसमें आधे डिब्बे में दूसरी साइड और आधे डिब्बे में दूसरी साइड में, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सीट्स मिलती हैं। और अभी जो प्रीमियम कोच था उसमें हमें फुट रखने के लिए फुट रेस्ट भी मिल रहा था, यहाँ हमें फुट रेस्ट नहीं मिल रहा है, और यहाँ होल्डर, बोतल होल्डर, सारी चीज़ें मिल रही थी। साथ ही साथ मोबाइल चार्जर तो इसमें मिल रहा है यूएसबी पॉइंट पर, उसमें हमें लैपटॉप चार्जर भी देखने के लिए मिल रहा था। और ये मैं आपको कंपेयर बता रहा हूँ कि जो प्रीमियम कोच है और जो स्टैंडर्ड कोच है, और प्रीमियम कोच में भी ऊपर बैग रखने के लिए मिलता था और इसमें भी बैग रखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ सामने दो स्क्रीन मिलती हैं जो आप देख पा रहे होंगे, आओ, दो स्क्रीन मिलती हैं जिसमें स्टेशन वगैरह या जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इन स्क्रीन के थ्रू लोगों तक पहुँचने वाली है। चलो फिर आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो कोच है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अभी जो इस हाफ से पहले उधर जो सीट्स थी उनका फेस इधर की साइड में और हाफ में फेस इधर की साइड में, और यहाँ पे आपको हैंडल मिलता पकड़ने के लिए, और ऊपर भी अच्छे से पकड़ने के लिए जो खड़े होकर ट्रेवल करने वाले लोग हैं उनके लिए ये हैंडल मिलता है पकड़ने के लिए। बाकी आगे चलते हैं, आगे के आपको कोचेज हम दिखाने वाले हैं। तो अभी स्टैंडर्ड कोच के नॉर्मल डब्बे में आ गए हैं हम, क्योंकि वो अभी इससे पहला डब्बा था वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए था, और ये भी स्टैंडर्ड कोच मोस्टली सारे सेम हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे नॉर्मल हो। तो यहाँ पर भी आपको एक सीट देखने की मिलती है, मोबाइल चार्जिंग के दो पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं कि बैग को पीछे ना रखें, बैग को आगे रखें। तो ये है ट्रेन का सबसे लास्ट डब्बा, उधर पायलट केबिन है। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिक नहीं खुलने वाले हैं, जब ट्रेन रुकेगी, रुकने के बाद में आप यहाँ लिखा हुआ है दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने का पर बटन दबाएं, तो इस बटन को प्रेस करना है, जब ग्रीन बत्ती यहाँ आ जाती है तब इस बटन को प्रेस करना है, वही डोर ओपन होगा जहाँ से आप प्रेस करोगे, सारे डोर्स ओपन नहीं होंगे।
तो जिस केबिन में उतरने वाले लोग हैं स्टेशन पर, तो उसी केबिन का दरवाजा आप सिंगल खोल सकते हैं। उसके बाद में जो ये एरिया आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया देख पा रहे हो, ये है स्ट्रेचर एरिया। क्योंकि जो स्टेशन पर जो लिफ्ट वगैरह बनाई गई हैं, वो भी काफ़ी बड़ी बनाई गई हैं, जिसमें स्ट्रेचर वगैरह आसानी से आ जा सकती हैं। स्ट्रेचर हो या व्हील चेयर हो, उसको स्ट्रेचर को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर सीट्स दी हुई हैं बैठने के लिए। तो ये स्ट्रेचर एरिया है, अगर मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर भी आप आसानी से इस ट्रेन से एक सिटी से दूसरी सिटी में आसानी से जा सकते हो।